झुंझुनू जिले की उदयपुर बाटी तहसील के चमरा कस्बे के वार्ड नंबर 7 के दलित बस्ती के लोग गर्मी एवं लॉकडाउन के बीच पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। शनिवार को जलेश्वर बालाजी मंदिर प्रांगण में इस बस्ती के लोगों ने पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश मेहरानिया के नेतृत्व में लोगों ने खाली मटके हाथ में लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान दिलाने के लिए करीब 15 मिनट तक मौन रखकर लॉकडाउन की पालन करते हुए सरकार से पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। वहीं पूर्व वार्ड पंच रामस्वरूप मेघवाल का कहना था कि इस गर्मी के महीने में हमारे घरों में पानी नहीं आने से हम बेहद चिंतित हैं। कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी कराया लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना था कि 400 रुपये की कीमत पर भला हम गरीब लोग पानी के टैंकर कहां से मंगवाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 7 रोज के अंदर दलित बस्ती में सरकारी टैंकर नहीं आए तो मजबूरन आमरण अनशन करने पर उतारू होना पड़ेगा। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश चोपड़ा, रुटराराम महारानिया, मंगले अली, दिलीप कुमार गुरावा, कृष्ण कुमार, मनीष कुमार महारानिया, महिपाल चोपड़ा, धर्मेंद्र महारानिया, भाती देवी मणि, शांति देवी चौथमल महारानिया आदि सहित काफ़ी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। आज आपने जो ये धरना दिया है, किस संबंध को लेकर आपने धरना दिया है? यहाँ पर पानी की किल्लत की वजह से धरना दिया गया। वार्ड नंबर 7 में पानी की किल्लत बहुत ज़बरदस्त है। ये गंभीर समस्या काफ़ी सालों से बनी हुई है, इसका निवारण अभी तक सरकार या ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं किया गया। तो पानी की या किसी ग्राम पंचायत द्वारा कोई व्यवस्था? ग्राम पंचायत की यहाँ वार्ड नंबर 7 में कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत तो यहाँ निकम्मी जैसी है। मरी कब से बनी हुई है ये समस्या? कंप्लीट 3-4 साल से ये ऐसी कठिन समस्या बनी हुई है। इसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं कि पूछो मत। तो अब पानी से किस हिसाब से काम चला रहे हैं? पानी से जैसे कोई अपने अपने व्हीकल की व्यवस्था करता है, कोई अपना टैंकर मंगवाता है, कोई कैसे व्यवस्था करता है, कोई 1 किलोमीटर जाके दूर से लाता है, कोई टैंक से लेके आता है, ऐसे अपने व्हीकल की व्यवस्था करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंगेश अली है। एक्समैन ग्राम पंचायत चमरा में वार्ड नंबर 7 में पानी की बड़ी समस्या है। पानी पीने के लिए मुश्किल हो रहा है। 2-3 साल हो गए पानी ऐसे नजर आ देखने में, और पानी की पूर्ति की जाए। पानी समस्या बहुत गंभीर है। पानी लेना पड़ता है 2-3 किलोमीटर दूर से लेना पड़ता है, जो कि पीने से मुश्किल काम चलता है। पशु को पानी के लिए बिल्कुल ही मिलता नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम रोड़ा राम। हाँ माता जी, पानी के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? पानी की समस्या 3-4 सालों का पानी नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। ना हमारी सरकार सुना, ना ग्राम पंचायत सुना, ना कोई सुना। पानी की बहुत समस्या। जो हम थोड़ी साफ तो गया, मेरे बच्ची बूढ़ी का साथ मेरे बेटे को नहीं यहाँ पट्टे पर गए हुए। पानी की बहुत पानी का है ना, बहुत नाड़ा का भी 3-4 दिन निकल जाए। बहुत गंभीर समस्या है पानी की। माता जी आपका नाम? पार्वती देवी। हाँ पानी की समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 7 के अंदर एक बोरिंग है, बोरिंग का पानी नीचे चला गया है। इसकी वजह से पूरे मोहल्ले के अंदर पानी की किल्लत है। कई बार इसमें पाइप भी डलवाई है, कोई फायदा नहीं हुआ। न कोई टैंकरों की व्यवस्था है पंचायत की तरफ से, न कोई और रिप्लेस करेंगे। आगे दिनों में पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है। आपका नाम? जी सुरेश जी, आप लॉकडाउन के अंदर काफ़ी दिनों से लोगों का सहयोग कर रहे हैं और आज आप ग्राम पंचायत चौरा में मौजूद हैं। यहाँ पानी की समस्या है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वास्तविकता के अंदर चौरा की ये जो बस्ती बैठी है, इस भीषण गर्मी के अंदर ये इस बात का सबूत है। ये हमारी महिलाएं, ये हमारे सीनियर्स, हमारे युवा नौजवान सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमें 3 साल हो गए दर दर की ठोकरें खाते, हमारे को पानी नहीं मिल रहा। आज ये खाली मटके लेके मंदिर जो हमारे हनुमान जी जालेश्वर महाराज हैं यहाँ पर आए हैं, और आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बोलते बोलते थक गए इस लॉकडाउन के अंदर। हमने हमारी बात पिता परमेश्वर से, राम से। देखिए सरकार दो होती है, एक राम सरकार एक राज सरकार, एक ही रूप है। आज हमने राम और राज सरकार दोनों सरकारों को मौन धारण करके प्रार्थना की है
कि आप जाग जाओ वरना हम आपको जनता जगा देगी। आने वाले जो चुनाव हैं आगामी समय में उसमें इसी तरीके से लोगों के हालात रहे पेयजल की समस्या को लेकर, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये आने वाला समय अपने आप तय कर देगा। आज हमारे दलित भाई बहन यहाँ पर परेशान है। मेरी राजस्थान की सरकार से चैनल के माध्यम से मांग है, जिले के DM से मांग है, उमरदीन से हम कहना चाहेंगे कि उमरदीन साहब अगर चमरा के लोगों को 5 दिन में पानी नहीं मिला तो हम लॉकडाउन के अंदर सड़क पे आने को मजबूर हो जाएंगे और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक चमरा की SC दलित बस्ती को पानी नहीं मिलेगा। और देखिए मैं दोनों चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ही के चैनल से आप लोगों ने किशोरपा में एक आवाज़ उठाई थी। अगर किसी को प्रमाण देखना तो जाइए किशोरपा के अंदर चारों ट्यूबवेल अभी खुदाई जा रही हैं और चारों ट्यूबवेल खुद रही हैं, दो खुद गई। इसलिए आपके संगठन की शक्ति है, आप इस प्रकार से रहोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका काम नहीं हो। इस बात का प्रमाण अगर देखना है आप लोग जाइए शक्ति में संगठन एकता में कितना संगठन होता है। इन्हीं चैनलों के माध्यम से मैंने कहा था कि 7 दिन में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम आर पार की लड़ाई करेंगे और आज किशोरपा के भैरवनगर के अंदर आप जाइए दो दो TH जो मशीनें हैं बड़ी वो दोनों मशीनें चालू हैं, दो बोरिंगें खुद चुकी हैं, दो बोरिंगें आज शाम तक खुद जाएगी। इसलिए एकता में क्या नहीं होता, सब कुछ बनाना जानते हैं अपन, बशर्ते अपन नाजायज मांग थोड़ी कर रहे हैं, अपन जायज मांग कर रहे हैं। पानी की समस्या, पानी चाहिए हमें, हमें पानी चाहिए। हम कोई सोना नहीं मांग रहे, हम कोई हीरे नहीं मांग रहे, हम कोई रसगुल्ले के डब्बे नहीं मांग रहे, पानी मांग रहे हैं। हमारे को पानी का अधिकार है और जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो हमने मौन धारण करके राम और राज सरकार दोनों को चेतावनी दी है और अंतरात्मा में हमने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है और आज हमने चिल्लाने की बजाय आवाज़ उठाने की बजाय हमने आत्मा से मौन धारण करके और हमारी मांग मनवाने के लिए आप लोग चैनल के माध्यम से हमने ये फैसला किया है। धन्यवाद सुरेश जी।